नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव 17 अक्टूबर 2022 से 16 नवंबर 2022 पूरे 30 दिन भगवान सूर्य तुला राशि, जो कि उनकी नीच राशि है, जहां पर सूर्य की सबसे ज़्यादा अनकंफर्ट और ख़राब अवस्था होती है, वहां पर गोचर करेंगे। और पांच राशियों के लिए यह महीना बहुत ही सेंसेटिव, संवेदनशील रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा, तनाव और टेंशन का माहौल भी बन सकता है। तो वह पांच राशि कौन सी है जिन्हें सावधानियां बरतनी है और बहुत ही कौन से सटीक उपाय हैं जिन्हें करके आप तमाम तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, हमारी आज की वीडियो का यही विषय रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सूर्य का नीच राशि में गोचर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव रहेगा कर्क राशि वाले जातकों पर। कर्क राशि वाले जातकों से चौथे स्थान में सूर्य रहेंगे। यदि आपका भूमि संबंधित कोई कार्य है, भवन निर्माण का कार्य है, या आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो पूरा एक महीना आप रुकें, अपने काम को स्टॉप दें। सूर्य के अगली राशि में जाने पर 16 नवंबर के बाद ही उसको गति दें, नहीं तो तनाव का माहौल और दुष्परिणाम यह आपके सामने आएंगे। कर्क राशि वाले उपाय के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से जाप करें। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को अगर कोई दिमाग में प्रॉब्लम है, जाड़ दांत में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, गले से ऊपर कोई भी दिक्कत है, तो उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका जो संचित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ पैसा है, जो बैंक बैलेंस है, उस पर आफत आ सकती है और आपको व्यर्थ के तनाव से भी सूर्य के इस गोचर में बचना है। उपाय के लिए नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ एक माला जाप करें। अगली राशि है यहाँ पर साथियों वृश्चिक राशि। वृश्चिक से 12वें स्थान में सूर्य रहेंगे। लंबी यात्राओं में धन आने का योग, पत्नी के साथ अनबन, दाई आँख में प्रॉब्लम और अपव्यय, बिना मतलब के खर्चे आपके सिर आगे पड़ जाएंगे, इस प्रकार का योग बनेगा। उपाय के लिए रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय गुड़ या मीठे चावल या मीठा दलिया बनाकर पशु पक्षियों को खिलाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। यह एक सटीक उपाय है। आगे राशि है कुंभ। आपसे भाग्य स्थान में सूर्य रहेंगे। कुंभ मीन मेष वृष मिथुन करक सिंह कन्या तुला 9वें घर में भाग्य स्थान में रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण आपके लिए है। आपके समस्त बनते हुए कार्यों में एकदम से अगर ब्रेकअप टाइप कुछ आ जाए तो समझ लेना कि यह सूर्य का प्रभाव है। इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, एक महीना धैर्यपूर्वक बिता लें। मकर राशि, पांचवीं राशि है मकर राशि। चूँकि अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे और नीच अवस्थाओं में रहेंगे, अष्टम सदा कष्टम, पेट के निचले हिस्से में दर्द, दुखन, पथरी, गदूद जैसी जो विषम परिस्थितियां हैं, हर्निया हैं और तमाम तरह की जो बीमारियां होती है पेट के निचले हिस्से में, वह पैदा हो सकती हैं, पहले से ही हैं तो उनमें डिस्टर्ब हो सकता है। और साथ ही साथ में आकस्मिक दुर्घटना, झगड़ा, टेंशन, तनाव का माहौल भी कहीं ना कहीं आपको बनने के संपूर्ण योग हैं। उपाय के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रिय साथियों, आसमान में ग्रह घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनकी चाल बदलती रहती है और उनकी चाल बदलने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका अच्छा या बुरा प्रभाव समस्त भूमंडल पर पड़ता है। मानव जाति भी उससे बची हुई नहीं है।
तो उपाय करने से, ईश्वर की आराधना करने से व्यक्ति काफ़ी हद तक समस्याओं से बच जाता है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।